दोस्तों, क्या हाल है? वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग गाइस। आज फाइनली हम लोगों ने अपना सारा प्लानिंग, सारा प्लॉटिंग सब कुछ कर लिया। सही टाइम पे उठ गए, आज 12 बजे उठ गए भाई। बनना तो ऐसा खचरा हो रहा था कि हर रोज 3 बजे 4 बजे लेट रहे थे, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे बढ़िया टाइम पे। लेकिन आज सब कुछ, सारे स्टार्स अलाइन करके तुम्हारे भाई ने जबरदस्त टाइम पे सो के, जबरदस्त टाइम पे उठ गया मैं। तो अब मैं कुछ दिन इसी तरीके से रहेगा गाइस, कि अभी हम लोग कुछ दिन में LPU जाने वाले हैं, दो तीन दिन वहाँ पे रहेंगे। एंड वहाँ पे जब तक वापस नहीं आ जाएंगे, वहाँ से अपन ब्लॉग्स एंड ऑल सब कुछ करेंगे। रेगुलर डेली ब्लॉग आएगा, कोशिश पूरी करूँगा मैं कि हर संडे एक बैंगर वीडियो आप लोगों को, जो हमेशा से हमारे चैनल के लिए द मोस्ट अवेटेड चीज़ रही है, वो करने का पूरा ट्राई करेंगे। एंड पूरी स्ट्रेंथ के साथ करेंगे, और उसी स्ट्रेंथ से आज का दिन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो, नीचे प्यार देते रहना, मजे करते हैं। ये सब फूल वूल मंगवाए गए हैं, ये सब अमित भाई किस लिए हैं? पूजा जो हम लोग नहीं कर पाए थे कल, उनको भाई बता रहे हैं कि डेट आज भी है। अच्छा, आज करेंगे। अच्छा, हमारी एक तो एक पोर्सा के लिए आई है, थकने मंगवाए, एक हेक्टर के लिए। इसमें तीन है। अच्छा, इसमें तीन है, कैसे पता? क्या बात है यार, स्किल हो गया है यार ये अमित भाई का। ये तो इसमें तीन है, देख के बता दिया यार इन्होंने। इन्होंने का तीन है, पहले छान पीन किया ना उसमें। ये समझ आ गया, ये चलाने वाला इनके थोड़ी का है, टूर्नामेंट जीता के लिए इनके लिए। अच्छा, खेल रहा है अभी, जब जब जीतेंगे जब आएंगे ना। एक मतलब मैंने ये बेइज्जती कर रहा घर के लिए, आज 20 जीबी तोड़ दे रहे हैं, बताओ क्या है अपना भाई। हम अच्छा खेल रहे हैं, तो लोग गॉब्लिन के लिए भी भर रहे हैं, ठीक है। Even he knows. Hey, breakfast कर लो। ओ भाई, कितनी बात सुनने लग गए यार। Very nice for a change. ये होता है जब आप गलत टाइम पे सोते हो और आपको सही टाइम पे उठा दिया जाता है। सुबह सुबह उठा के नहला दिया उसने। तो बात होती है भाई, सुबह 10 बजे बताओ। अच्छा भला स्ट्रीक चल रही थी लड़के की 1 महीने की। अरे कितने दिन की स्ट्रीक थी? 3-4 दिन। स्नैपचैट की स्ट्रीक ब्रेक कर दो एक दिन, मुझे लगता है लोगों के। तो जो स्नैपचैट यूज करते हैं ना, मेरे को एकदम पसंद नहीं। तो मैं तो कभी यूज ही नहीं करा, मेरे को समझ में नहीं आता ना, मुझे एकदम पसंद नहीं। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ करने की इच्छा है कि नहीं है? एक इंस्टाग्राम में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मेरी लाइफ में। अच्छा, सोचो जो लोग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है? अपनी यूट्यूब क्यों नहीं करना? यूट्यूब भाई मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दे, ये लायक नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी है। यूट्यूब तो मैं तो गॉड हूँ। मेरे को ना पानी से एलर्जी हो गई है बदन पे। जब आप एक एक महीना पानी नहीं छुलाएंगे, तो जब एकदम से तन बदन से पानी छुलेगा तो तेल मिलाएगा नहीं बदन की, ये क्या लग रहा है मुझ पे? आँख में तो रोज पानी लगता है, एटमोसफियर में पानी नहीं होता है? नहीं होता, अगर नहीं होता तो कट कर देना ही। होता है हाँ, तो वही आँख में तो होता है, लेकिन बरसता थोड़ी रहता है। बाबू कौन से क्लास तक पढ़े हो? वो सब चीज जानना है। So guys, अभी अनिमेश थग एडविट अग्रवाल का एक कार्ड आया है, वो नो लिमिट कार्ड है। तो मैंने बोला कि द वन एंड ओनली द एक्स बर्थडे बॉय, कि चलते हैं और जाके मर्सिडीज ले आते हैं, एक बार का शौक को पूरा कर लेते हैं। दो ले आते हैं, क्योंकि 2023 में मैंने और सिड भाई ने साथ में प्लान किया था कि हम दोनों एक मर्सिडीज जरूर निकालेंगे। कार्ड भी दो है। थकने दो कार्ड मंगवाए हैं, कि एक खो जाएगा, एक दूसरा यूज कर लेंगे। साउंड सुनाओ यार लोगों के। क्रिस्पी स्टील की, स्टील ही होगा। हाँ, हमारे किस चीज का होता है? कार्डबोर्ड का, तो तक ने बोला मेरा अभी कार्ड का बिल 28 लाख रुपए है, वो पे कर दो और जाके गाड़ी ले। मैंने कहा बेटर डील है, 28 लाख का जो बिल पे कर देंगे और 4 टाइम 5 टाइम का मर्सिडीज ले आएंगे। SLS देखी आपने? SLS लेंगे गाइस। ओ प्राइस लिख दिया हल्का सा, प्राइस हाँ इंडिया में 2.54 पांच का हो गया। हाँ, दो लोग का अपग्रेड्स अपग्रेड साल के पूरा। हाँ, पांच का बिल आ रहा है। शक्ल कितने की है तुम्हारी? 6। ओ दादा, सब भेज दो ना। दे दिया हैवी। गाइस कांग्रेचुलेशंस, वी आर प्राउड ओनर ऑफ AMG SLS मर्सिडीज। सो गाइस थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड
with the help and support of one and only Edbit Thug. We are proud owners of AMG SLS. आएंगे अगले इवेंट में उसी से। कल गाइस मैंने और माफिया ने अपने लाइफ का 3 साल बाद इतना एंजॉयबल स्ट्रीम किया है। बहुत मजा आया, कुछ मजा आ रहा था बस, है ना? कुछ भी मजा आ रहा था। आज खेलेगा? खेलेंगे भाई, जो मजा आया था ना आज, खेलने के लिए बुला लो जब आ। आज मेरा डे रख लेते हैं। क्या तेरा डे? अरे रहने दे भाई, गाड़ी चलो यार। क्या किससे? तू तो नहीं मारेगा, कोई और लोग आके ना। भाई मेरे नाम से तो आज तक कभी किसी को हेट नहीं पड़ा है। तेरे को कभी है मेरे नाम से हेट? मुझे याद नहीं है, मैं इग्नोर कर देता। देखा, याद तब होगा ना, इग्नोर तो बाद में करेंगे जब आएगी तब। इग्नोर कर देता हूं। नहीं नहीं, मेरे नाम से कभी नहीं गया। तुम लोग यार प्यार हो यार, चुम्मा हो यार। माफिया नाश्ता किया? हां, रोटी का टैटू से लगा। क्या बात कर रहा है। आज वाला जो खाया वो वाला तो बहुत ही बड़ा था, मतलब वो इतना बड़ा था जो मैं 2 रुपए में खाता था वो 2 आ जाएंगे, दो के बराबर का था। मेरे घर से चॉइस मिलता था, तो टिफिन लेके जाओ जिसमें नॉर्मल रहता था या तो फिर 20 रुपए। कोई बात नहीं, चूज मनी। मैं गुजराती, आई विल चूज मनी। ओके, अब 20 रुपए में मुझे कायदे से तो खाना चाहिए था, लेकिन हम लोग रिसर्च में बंक करके CSGO खेलने जाते थे। ये पक्का गुजराती है? पक्का नहीं है, वरना कोई गुजराती होता वो जो है उसको इन्वेस्ट करता। आज आधी ओन कर रहा होता कंपनी। इन्वेस्ट किया? हाँ। रिवॉर्ड? तुम उल्टी साइड पे हो बाबू, रिवॉर्ड्स में। तुम गेमर नहीं, गेमर के लिए हो। जो भी है, अगर देखो गेमिंग करने का सपना नहीं मिला, भगवान ने कुछ तो दिया है। जो बात है, ये बात है, गेमिंग में बहुत कम लोगों को चांस मिलता है। एक कोर्स कर लिया जिसने तुमको। मेरे को ऐसा है कि YouTube से अगर मतलब कुछ भी डाउट हो YouTube करो। हाँ। YouTube से अच्छे से सीखो। हमारे टाइम में YouTube होता था? हमारे टाइम में होता था, हम पे इंटरनेट और मोबाइल नहीं होता था भाई। वो भाई 2G आता था तो भाई, वो 10 तक तो मेरे पास भी फोन थोड़ी था। 1 GB डाटा BSNL का मिलता था, कूपन लेके आता था। अरे कूपन की बात छोड़, लैंडलाइन, उसके लैंडलाइन के साथ आता था। हां, 1000 रुपए का 1 GB। सोच, 1000 रुपए का भाई, 1000 रुपए का 1 GB। हाँ, और क्या भाई, उसी जमाने का मेरे घर पे लगा था ना 1 GB। बाप रे बाप, 1000 रुपए में तो अनलिमिटेड आ जाएगा भाई। जब मैं पहले रिलेशनशिप में गया था ना, तो मैं 499 का रिचार्ज कराता था। कितनी उम्र थी जब आप पहले रिलेशनशिप में गए थे? 2007 में कितने साल का? 14 साल का। 14 साल में मैं 499। गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? तेरी भेड़ का नाम पूछ लेना। नहीं नहीं नहीं, तो सुन तो उस वक्त एक कंपनी थी एयरसेल करके। हाँ, एयरसेल। उसके बाद टाटा डोकोमो आया था। ठीक है, तो एयरसेल में 499 में 1 घंटा फ्री मिलता था कॉलिंग। तो वो 499 रुपए में 1 घंटा हम बात करते। क्या बात करते? 499 में मम्मा बहुत ज्यादा होते थे यार। कहाँ से लिया था 499? अरे तो ऐसा हुआ था, मम्मी ने हमेशा से बचा के रखे थे। जब भी कोई रिश्तेदार आता था 500 रुपए 1000 रुपए देकर जाते थे। तो जब मैं रिलेशनशिप में आया था तब तक 12,000 रुपए पूरे लाइफ टाइम में जमा हुए थे। मम्मी के पास थे, तो हमें पार कर लिया था। मैंने पार कर लिया था ना वो बटुआ एक बार पार हुआ था। भरोसा पहली बार टूटा था अपने माता पिता से। इतना बुरा। आज स्ट्रीम पे मैं पहुंचा और लोगों ने मेरे को बोला गाइस कि मामा भाई लाइट कुछ कम लग रही है, क्या बात है? क्या बात है भाई, लेकर गए भागे हुए थे मेरी लाइट है। प्रोडक्शन का बजट थोड़ा अभी घाटे में चल रहा है हम लोग। हाँ, घाटे में चल रहा है, सब प्रॉफिट है। और तुम जो कमाता है उसका क्या पता लग गया मुझे तुम्हारा स्कीम सारा। ठग ने मेरे को बता दिया, इसको जितना भी मिलता है पटाक से ये FD मार देता है। गाइस हम ही एक बेवकूफ़ था जो इन सबको के बीच में बेवकूफ़ बन रहा था। देखो कट कर, एकदम से SMS आता है। हाँ, 1600 रुपये कटा है नेटो भी, हर महीने आता है मेरे को मैसेज। प्रीमियर प्रो का जी, मतलब धंधा तेरा है और पैसा उससे ले रहा है। देखो सब्सक्रिप्शन इसका।
कैमरा इसका। एक बात बता, मैं अगर निक को या पोजी को दूसरे एडिटर स्क्रैच है जाए और भी एडिटर है उन लोग को अगर दूंगा तो उनको क्या मैं सब्सक्रिप्शन लेके दूंगा मेरा एडिटिंग करने के लिए? कॉमन सेंस है ना क्या है? तो अभी देख तूने ले रखा है यूट्यूब वाले मेरा इंटरनेट का बिल भरते क्या यहाँ पे? तो मतलब तू तो लाइबिलिटी हुआ ना 24/7 ले रह भी रहा है, तू बैठ भी रहा है, तू खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। इतना बोल रहा ले लूंगा एक माइक। हाँ लो माइक, एक माइक सब कुछ लो, कलर लाइटिंग। मैं तो बोलता हूँ क्या प्रोडक्शंस डूब रहा है, डूब गया, घाटे में चल रहा है, डूब रहा है आदि, डूब रहा है धीरज जा रहा है भाई। धीरज को हम लोग इतनी उम्मीद से लेकर आए थे, आदि ने उसको भी अपने जैसा बना दिया। अच्छा, मेरे जैसा बना दिया। अभी मैं देखता हूँ वो नीचे बैठा होगा फालतूगिरी कर रहा होगा मोबाइल लेके, सुबह 6 बजे तक रैंक पुश करता है वो फालतूगिरी बिल्कुल उमंग के साथ। मेरा एडोबे से सिर्फ मेरा धंधा नहीं चला रहा है, मेरे को कट दे। अच्छा कितने साल से है ये शुरुआत? कब से मतलब? फिर भी अरे वो तो हाँ मतलब ओल्ड गेमिंग 3-4 साल से, 50 महीना ठीक है, 1630 से 36 × 1650 करियो। चलो कितना है, कितना है? 60,000 हिसाब में से काट लेना। कितना बना लिया इसके 1650 में? एक सेकंड, मेरे एडोबे से एडिट करने का तेरे को जैसे कोई 3-4 हजार रुपए दे रहा है देख, और तू एडिट कर रहा है। मैं फोन पे भी एडिट कर दूंगा, मेरे को रॉयल्टी भी चाहिए। ड्रोन का रेंट मांगता रहता हर बार, वन टाइम ड्रोन का ऑब्वियसली मांगूंगा रेंट। मैंने ड्रोन खरीदा आज तक एक रील बना पाया उससे। अच्छा जब तेरा शादी हो जाएगा तब आदि का क्या होगा? आदि करेगा एडिट, तो तेरे साथ रहेगा या यहाँ पे रहेगा? चक्कर बाबू भैया। गाइस कोई भी एलिजिबल लड़की हो, एलिजिबल लड़का है अपने पास, लड़का चाहिए। अपकमिंग स्पोर्ट्स स्टार, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक पोटेंशियल अनलिश नहीं किया इन्होंने। अपकमिंग स्टार का हैंड गेम देख के मिले, ये टैलेंट हमने तब स्काउट कर लिया जब किसी को नहीं पता है। हाँ साइन कर, थूक के वो कर दिए, अंगूठा मार दिया और अंगूठा मार दिया, आज पानी पड़ा है बस। बाकी हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक पेपर है। कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द टीम। थैंक यू। बाकी तीन हम आपको और बताएं, कोच चाहिए? कोच मैं कर सकता हूं, डिपेंड्स पहले परफॉर्मेंस टीम का देखेगा। ठीक है ठीक है, फिर बात चुप कर। ऐसी ऐसी विजनरी लोग चाहिए हमें, कर सकते हो ऐसा आने के लिए रेडी, इतनी सैलरी देखते हो। ये वीडियो का लिंक गाइस अमित भाई को भेज देना। पता अमित भाई भी आएंगे, रहेगा तो रहेगा। हम लोग का एक अच्छा असोल्टर भी चाहिए, तुम लोग को दिख रहा है कोई यहाँ पे? अच्छा हाँ दिख रहा असोल्टर, वो तो चले गए, घर चले गए ना, घर चले गए। अच्छा ये रूम खाली हो गया, ओ क्या कर रहे हैं, बोलने लग गए, ब्यूटी लग रहा है। हाँ वे अपना देखते हैं, बहुत प्यारा मज़ेदार हैपनिंग डे था। और अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं था रेगा मर्सी हम सब लोग मिलके बहुत देर बात कर रहे थे। कल का दिन भी बहुत मज़ेदार होने वाला है, कल मुझे एक दो रील शूट करनी है और मैं चाहता हूँ इंस्टाग्राम पे भी अपना सब कुछ हर जगह बैलेंस आउट होता रहे। और फिर उसके बाद शाम को हम लोग शायद अपने नेबर्स के यहाँ भी जाने वाले हैं फॉर गणपति के लिए, उन लोगों ने इनवाइट किया है, देखते हैं अगर हो सकता है, क्योंकि कभी भी लास्ट मोमेंट कुछ भी प्लान चेंज हो सकता है। अगर कुछ हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो वेल वील सी। क्योंकि रात में 3 बजे के करीब या 4 बजे के करीब मैं थक मर्सी मॉर्टल निकलेंगे, हमारी 8 बजे की सुबह की फ़्लाइट है पंजाब, हम लोग LPO जा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज़। बाकी कुछ और लोग हैं 4-5 लोग, उन लोगों की अगले दिन मतलब 2:30 बजे की फ़्लाइट है, तो मतलब 20 की सुबह 8 बजे मेरी फ़्लाइट है थग मर्सी स्काउट और मॉडल।
और बाकी लोगों की 2:30 बजे दिन की फ़्लाइट है 20 तारीख की। तो बस कल का दिन बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट होने वाला है। और जो हम लोगों का वो प्लान था कि हम मुंबई में अपने सारे भाई बहनों के घर पे जाएंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम बिताएंगे, वो अब जब मैं वापस आ जाऊँगा LPO से तो 100% हम लोग जोकर के घर जाएंगे एंड देन फिर उसके बाद पायल के घर भी जाएंगे, विजिट करेंगे, तो आप लोगों को भी देखने मिलेगा। सो यस, अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए एंड इसी तरीके से प्यार देते रहना स्ट्रीम पे। यार तुम लोग भयंकर मोहब्बत दे रहे हो, भयंकर प्यार दे रहे हो, इसी तरीके से हर चीज़ देना। ये व्लॉग मैं 6 बजे शाम को अपलोड करूंगा फॉर अ चेंज। मैं देखना चाहता हूं कि पहले जब मैंने व्लॉग चालू किया था 12 बजे डालता था, तब लॉकडाउन था, अब सब लोगों के ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, सब चीज़ें होती हैं, तो मैं शाम को 6 बजे डाल रहा हूं ताकि फ्री होकर देख पाऊँ। ज़रूर बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा कि मैं 6 बजे ही डालूँ सही कर रहा हूँ या फिर मैं 12 बजे डालूँ, दोनों में से मेरे को बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। हम लोग 24 तारीख मतलब संडे तक डेली व्लॉग करेंगे। 25 तारीख से ऐसा सीन हो जाएगा कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को मैं व्लॉग करूंगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को स्ट्रीम की हाइलाइट्स आएंगी एंड संडे को एक अमेजिंग वीडियो होगा अपना जो हटके होता है, ऐसा अपना प्लान है। तो आई होप तुम लोगों को अच्छा लगेगा ये जो अपना प्लान होगा फॉर द नेक्स्ट कुछ डे। तो यस, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, कल की कहानी में। अंटिल देन बहुत सारा प्यार, दिल से दुआ, मेरे को भी याद रखना और अपने घर वालों को बहुत सारा प्यार देना, जो तुम लोगों के करीब हैं उन लोगों से कभी लड़ना मत, वो बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ के बुरे और अच्छे दोनों फेजेस में। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। अंटिल देन लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, बहुत सारा प्यार।